सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। स्वागत है आप सभी का एमबी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग अपना ग्रुप फोर जो आपका वैकेंसी आने वाला है ग्रुप फोर साई ग्रेड तीन, इसका एक नया पेपर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। हालांकि एक हम लोगों ने कल भी पेपर डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने 18/12/2016 की फर्स्ट शिफ्ट को देखा था, मतलब पूरे टोटल जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के मिला के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आज के सेशन में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग को नहीं केवल और केवल यहाँ पर मैथ्स को देखने वाले हैं। मतलब इसकी सेकेंड शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के 17 सवाल आपके पूछे गए थे वो आज हम लोग सभी के सभी यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई परीक्षा का आपका सफलता का महोत्सव स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आने वाले समय में जो आपके एग्जाम्स रहेंगे उनको लेकर परीक्षा की तरफ से आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पर आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका ग्रुप फोर असिस्टेंट ग्रेड आपका 3, ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड आपका यहाँ पर 3। और कौन सा एग्जाम रहेगा आपका 18/12/2016 की आपकी सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते अपना पहला सवाल। अब यहाँ पर एक ट्रेन 740 मीटर, ठीक है, और 960 मीटर लंबाई के दो पुलों को 54 और 65 सेकेंड में पार करती है, तो आपको बताना है ट्रेन की गति यहाँ पर क्या होगी। ट्रेन की गति यहाँ पर आपको बतानी है क्या होगी। अब ध्यान से समझना इस सवाल को आप लोग। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ पहली कंडीशन में अगर आप लोग ये बताओ कि ट्रेन की स्पीड आप कैसे निकालोगे, ट्रेन की जो स्पीड निकालते हो वो कैसे निकालोगे, तो ट्रेन की स्पीड आप कैसे निकालोगे, ट्रेन की जो डिस्टेंस होगी प्लस, अच्छा ये वाली जो ट्रेन की स्पीड है ना ये आपकी मीटर पर सेकेंड में देके रखी है, ये वाली जो स्पीड है ये मीटर पर सेकेंड में देके रखी है, और आपका 740 का यहाँ पर मीटर और कितने समय में 54 सेकेंड में पार करेगी, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ये वाला ये भी स्पीड है, ठीक है, ये यहाँ पर डी प्लस 740 और यहाँ पर कितना आएगा 960, ठीक है, और बटे यहाँ पर आपका 65। अब यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है कि भाई यहाँ पर स्पीड है ना दोनों जगह स्पीड बराबर है, दोनों जगह स्पीड कैसी है बराबर है, मतलब स्पीड आपकी बराबर होगी। यहाँ पर डी देखे रखी है ना, दोनों जगह डी भी कहीं ना कहीं आपकी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बराबर ऐसे है कि भाई देखो बात तो दोनों हम लोगों ने दो बार जो बात की है बात तो एक ही ट्रेन की है जो एक निश्चित गति से चलेगी और निश्चित जो ट्रेन की आपकी डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से आप करोगे क्या, ध्यान से समझना, यहाँ पर आप एक स्टेप थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पर कितना आएगा 54 स्पीड बराबर यहाँ पर कितना आएगा d प्लस 740 और यहां पर आपका 65 स्पीड बराबर आपका d प्लस 960। अच्छा एक चीज और याद रखनी, यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, यहाँ पर जो आपका स्पीड है उसका जो यूनिट देके रखा है ना वो मीटर पर सेकेंड देके रखा था, ठीक है, क्या देके रखा है मीटर पर सेकेंड, स्पीड जो है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, बाद में हम लोग को यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, ऑप्शन सारे आपके किसमें किलोमीटर पर हावर में। अगर मैं एक और स्टेप थोड़ी सी आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से समझना आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना है 54, ठीक है, स्पीड माइनस 740 बराबर आपका यहाँ पर क्या बचेगा डी, और यहाँ पर कितना बचेगा 65 स्पीड माइनस आपका 960 बराबर आपका डी, यही बचेगा। एक बात बताओ दोनों परिस्थितियों में अगर ये डी की वैल्यू यहाँ पर बराबर है, दोनों परिस्थितियों में अगर डी की वैल्यू यहाँ पर बराबर है तो क्या इन दोनों को आप बराबर कर सकते हो, बिल्कुल बराबर कर सकते हो। कैसे बराबर करोगे इन दोनों को, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा ध्यान से समझना 54 स्पीड, ठीक है, माइनस आपका 740 और यहां पर कितना मिलेगा 65 स्पीड माइनस आपका 960। 54 और 64 अगर इन दोनों को बैलेंस करोगे तो यहां पर 65 में अगर 54 घटाओगे, 54 को अगर यहां पर घटाओगे, ठीक है, 54 तो यहां पर कितना बचेगा आपका 11 स्पीड, ठीक है, और ये भी किसमें रहेगा आपका माइनस में, और यही अगर आप यहां इन दोनों को बैलेंस करोगे मतलब माइनस का 960 है और प्लस का आपका यहां पर 740 है, प्लस का आपका 740 तो माइनस का मिलेगा 0, ठीक है, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहां पर कितना 9 में से 7 जाएगा 2, मतलब यहां पर कितना मिलेगा आपको माइनस का 220,
यही मिलेगा। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 11 से काटो 11 दूनी 22, मतलब स्पीड जो आपको मिलेगा वो कितना होना चाहिए आपका यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगेन आपको यहाँ पर निकालना क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो इसे आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 20 × 18/5 से काटोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 से काटोगे 4, ठीक है, तो 8 × 4 = 32, 3 कैरी करोगे, 4 × 1 = 4 और 3 आपका 7, तो 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। हालांकि ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखे नहीं रखा है, लेकिन 72 किलोमीटर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो यहाँ तक तो कोई परेशानी, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ऑप्शन आपके 72 नहीं देखे रखे, कोई बात नहीं, ऑप्शन आपके सारे गलत है, आंसर आपका 72 ही आएगा। दूसरी बात देखो, अगर यहाँ से वो स्पीड बोले तो आपका यही पूरा मेथड होना चाहिए, पूरा मेथड यही होना चाहिए। आप फालतू में फोकट में डिस्टेंस के पीछे मत भागना कि आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, फिर यहाँ पर वापस आ रहे हो, फिर आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं। अगर डिस्टेंस पूछे तब आप डायरेक्ट यहाँ पर स्पीड को बराबर करोगे, अगर स्पीड पूछे तो डिस्टेंस को बराबर कर देना, मतलब जितना आपसे पूछे आप बस उतना ही काम करना, बाकी आगे बढ़ना। चलो आगे देखें, जैसे अगला सवाल है। अब यहाँ पर ये सवाल आयोग की साइड से आपका कैंसिल किया गया है कि आपको एक श्रेणी दे दी, एक सीरीज दे दी, और यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कोई गलत, इनमें से गलत पद कौन सा है। जैसे यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा आपका 45, ठीक है, यहाँ पर आपका 99, और यहाँ पर आपका 209, और यहाँ पर आपको 431। आपको ये बताना है कि इन दोनों में गलत कौन सा है, ठीक है। और हालांकि ये सवाल आपका पूरे तरीके से गलत, या तो इसका आंसर गलत होगा या पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि ये सवाल व्यापम की साइड से, मतलब आयोग ने कैंसिल किया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या लॉजिक लगा सकते हो, 2 से काटोगे, 2 से 2 का मान गुणा करोगे कितना मिलेगा 4, तो यहाँ पर प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 7, ठीक है, यहाँ पर 7 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 14, ठीक है, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 4 का तो यहाँ पर कितना मिलेगा 18, फिर यहाँ पर 18 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 36, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा 18 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 36, अब यहाँ पर आपको 45 चाहिए तो यहाँ पर कितना पड़ेगा 9, तब जाकर आपको 45 मिलेगा। मतलब ऐसी कोई भी सीरीज आपकी सीधी से नहीं बन रही है, नहीं बन रही, मतलब सवाल आपका गलत है, हालांकि क्वेश्चन भी गलत है और ऑप्शन भी गलत। चलो आगे बढ़े, तीसरा सवाल। अब इसे ध्यान से समझना, नमक जल और नमक हुए, 1 बिलियन का भार, 15% आपका नमक है, ठीक है, 15% आपका जिसमें नमक है, अगर इसमें 30 किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण आप कर दोगे तो आपका नमक का भाग कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 20%, नमक का भाग कितना बचेगा 20%। तो बिलियन की वास्तविक आपको मात्रा बतानी है, पहले ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर 15% आपको ये देखिए रखा है, 15% का मतलब कितना होगा, फ्रैक्शन में ले जाओगे 15, फ्रैक्शन में अगर आप ले जाओगे 15/100, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 20, ठीक है, 3/20, मतलब यहां पर कितना मिलेगा आपको 3/20। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल क्वांटिटी आपकी अभी कितनी है 20, टोटल आपकी क्वांटिटी कितनी है 20, जिसमें नमक का, नमक कितना है आपका, जिसमें नमक कितना है आपका 3, अगर 20 में से 3 आपका नमक है तो पानी कितना हो जाएगा आपका, पानी हो जाएगा रेस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब 17 भाग, ठीक है, पानी कितना हो जाएगा आपका 17 भाग। अब 30 किलोग्राम पानी आपका उड़ गया, अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर आप रेशियो में ले जाओगे, जैसे मान के चलो 3x आपका क्या हो जाएगा नमक, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 17x पानी, इसमें से 20 लीटर आपका यहाँ पर पानी आपने उड़ा दिया, कितना उड़ा दिया 30 लीटर, तो अब कितना बचेगा, ये पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा नमक का, ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका पानी का, तो 20% आपका नमक बचेगा, 20% मतलब आपका यहाँ पर 1/5, 1/5 कैसे 20/100, ये हो जाएगा आपका टोटल पार्ट 5 हो गया, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका नमक का, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया नमक का, मतलब 5 में से अगर 1 नमक है तो पानी कितना हो जाएगा आपका H2, मतलब 4, कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब नमक की जगह आप नमक रखो, पानी की जगह आप पानी रखो, ये होगा। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर कितना आएगा 4×3 = 12x बराबर, यहाँ पर करोगे तो 17x माइनस आपका 30 यही मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 5x, 17 में से 12 जाएगा, माइनस का 5x बराबर माइनस का 30, माइनस से माइनस काटोगे तो x बराबर कितना आएगा 6, मतलब x की वैल्यू आपने निकाली,
एक्स की वैल्यू कितनी आई 6। अब आपको टोटल पार्ट बताना है और टोटल पार्ट यहाँ पर कितना है आपका 20x, 20 इंटू आपका 6 मतलब कितना होना चाहिए आपका 120 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस सवाल का आपका आंसर कितना आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े, ये सवाल थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना क्योंकि कोई एक पहली बार आपके किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बहुत इससे पहले भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके बाद भी आपके अभी भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। डी व्यास वाला एक पाइप है, डी व्यास वाला आपका एक पाइप है ठीक है, जो एक खाली टंकी को 40 मिनट में जो एक भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इसका डबल व्यास आप कर दोगे, डायमीटर इसका अगर डबल करोगे तो खाली करने में कितना समय लगेगा। हालांकि इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर 10 मिनट आएगा, कई कई जगह आपको इसका आंसर 20 मिलेगा लेकिन वो पूरे तरीके से गलत है। आप किसी भी एग्जाम का उठाकर देखोगे तो हर एग्जाम में इसका आंसर 10 ही माना है और 10 ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब समझना कैसे, अगर मैं ये पहले पाइप की बात करूं और ये मैं आपके दूसरे पाइप की बात करूं ठीक है, अगर मैं इनके डायमीटर की बात करूं, एक बात बताओ अगर मैं डायमीटर भी बोल दूं या फिर इनका कहीं ना कहीं मैं रेडियस भी बोल दूं तो बात बराबर है क्योंकि हम लोग रेशियो में बात करने जा रहे हैं। बात किसकी करेंगे, हम लोग रेशियो में करेंगे। तो यहां पर ध्यान से आपको क्या समझना है, अगर इनका व्यास डी था, अगर इनका व्यास डी है तो इनका व्यास कितना होना चाहिए दूसरे वाले पाइप का, इसका 2D होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका 2D, या फिर कहीं ना कहीं इनका रेडियस भी इसी अनुपात में आएगा। जैसे मान के चलो अगर पहला पाइप है ये दूसरा पाइप है, इनका व्यास 4 है इनका व्यास 8 है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई इनका आप रेशियो बताओ तो रेशियो इनका कितना आएगा, ये डायमीटर की बात की है, 1:2 ठीक है। अगर यही मैं आपसे बोलूं आप इनकी त्रिज्या बताओ तो आप बोलोगे त्रिज्या कितनी आएगी, इसकी 2 आएगी, इसकी 4 आएगी, व्यास की आधी त्रिज्या, लेकिन इनका अनुपात देखोगे तो इनका भी 1:2 आएगा, मतलब रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका यहां पर ठीक है। तो यही चीज मुझे आपको बतानी है, तो रेडियस या फिर डायमीटर दोनों को एक ही मानो। अगर यही मैं इनके एरिया की बात करूं, एरिया कितना आएगा यहां पर आपका, एरिया कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर यही आएगा, और यहां पर आपका पाई आर स्क्वायर मतलब 4 और यहां पर आपका डी स्क्वायर ठीक है। और ये बात हम लोगों ने किसकी की, रेडियस की। तो यहां से क्या काटोगे, ये काट सकते हो, 1 आएगा, यहां से ये काटोगे मतलब 4 आएगा, तो यहां पर एरिया कितना आ जाएगा आपका 1:4 आ जाएगा। एक बात बताओ अगर एरिया का अनुपात ये आया तो क्षमता इनकी जो कैपेसिटी होगी या इनकी जो रेट होगी वो कहीं ना कहीं इसकी इनवर्स होगी 4:1। कैसे कि एक बात बताओ, 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, और 4 में 1 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 4 से 4 में भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, मतलब एरिया और इनकी कैपेसिटी दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, इनवर्स होंगे। अब यही चीज आप लोग ध्यान से समझना, यही चीज आप लोगों को ध्यान से समझना है। यहां पर ध्यान से देखना, ये 4 है ना, किस रेट से कितने समय में टंकी को खाली करेगा, 40 समय में टंकी को खाली करेगा, तो 4 बराबर 40, 1 बराबर कितना होना चाहिए 10। तो यहां पर आपको इनका बताना है, तो इसका अगर 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आएगा आपका 10, और यही सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 10 मिनट। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, एरिया हम लोगों ने इसीलिए निकाला, अगर ये कोई पाइप है और ये कोई इसका डबल रेडियस या डायमीटर का पाइप है तो एक समय में ये इतना पानी बाहर फेंकेगा और एक समय में ये इतना पानी बाहर फेंकेगा मतलब ये एक तरीके से एरिया इतना कवर करेगा और ये भी इतना आपका एरिया कवर करेगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, एरिया निकाला, मतलब इनका एरिया का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनका कैपेसिटी मतलब कार्य क्षमता। अगला सवाल, 2 संख्याओं का एलसीएम आपको देखे रखा है, उनका अनुपात आपको 2:3 देखे रखा है ठीक है, 2 संख्याओं का योग बताओ, 2 संख्याओं का योग क्या होगा ये बताओ। देखो एलसीएम और एचसीएम जब हम लोगों ने देखा है ना तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था आपका, ठीक है कॉन्सेप्ट क्या था आपका, वो AB इंटू आपका HCF इंटू आपका HCF बराबर आपका LCM बराबर आपका LCM, और यहां पर A और B है ना वो नंबर्स का, ठीक है नंबर्स का रेशियो है, क्या है रेशियो है, मतलब संख्याओं का अनुपात है। अब यही मुझे आपको बताना है कि भाई संख्याओं का अनुपात आपको 2:3 देखे रखा है, 2:3 का मल्टीप्लाई और यहां पर इनका HCF का मल्टीप्लाई, तब जाकर मिलेगा आपको कितना 210। 3 से काटोगे 3 7 21, 2 से काटोगे 5, मतलब यहां पर कितना मिलेगा HCF इनका आपको 7 5 35, ठीक है 7 5 आपका 35,
ये मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर इनका संख्याओं का योग निकालोगे तो संख्या 2:3 है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा आपका 5, तो यहां पर कितना आएगा आपका 35, तो मल्टीप्लाई करोगे 5 5 25, 2 कैरी करोगे 15 और 2 आपका 17, मतलब 175 ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। इंडिविजुअल संख्या मत निकालना कि आप यहाँ पर पहले 2 में गुणा करो HCF मतलब 35 का, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर 70 आएगा, फिर 3 में मल्टीप्लाई करो HCF मतलब 35 का, तो यहाँ पर 5 3 5 3 15 और आपका 105 आएगा, फिर आप इन्हें जोड़ रहे हो, आंसर वही आएगा लेकिन प्रोसेस थोड़ी सी आपकी लेंथी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आप रेशो को जोड़ो और रेशो को जोड़कर ही अपना HCF का मल्टीप्लाई करो और अपना करेक्ट आंसर निकालो, ठीक है। चलो अगला सवाल, एक वृत्त और वर्ग का कुल क्षेत्रफल आपको देके रखा है, वृत्त का और वर्ग का कुल आपको यहां पर क्षेत्रफल देके रखा है, वृत्त का व्यास आपको देके रखा है, ठीक है, वृत्त की परिधि और वृत्त की वर्ग की परिधि मतलब दोनों की पैरामीटर का आपको सम बताना है, दोनों के पैरामीटर का सम बताना है। देखो ये कोई आपका वृत्त है जिसकी ये रेडियस है, ये कोई आपका वर्ग है जिसका ये साइड है, इन दोनों का अगर हम लोग एरिया निकाल लेंगे तब जाकर कितना मिलेगा 2611 देखे रखा है क्वेश्चन में, और क्या क्या देखे रखा है, वृत्त का व्यास, एक बात बताओ व्यास मतलब 2 रेडियस बराबर कितना देखे रखा है आपको 42, तो रेडियस कितनी आएगी आपकी किस, आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई त्रिज्या की दुगनी, त्रिज्या का डबल क्या होता है आपका व्यास होता है, या व्यास की आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या, मतलब ये कितना देखे रखा है आपको 21, और इनका अगर एरिया निकालोगे ना तो पाई मतलब यहां पर कितना आएगा, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर 21 आपका 21 यही आएगा, 7 से काटोगे 3, ठीक है, और यहां पर 11 × 2 22 को आप लिख सकते हो, 3 × 2 = 6, तो 6 × 6 = 12 और मल्टीप्लाइड भी आपका 11, तो यहां पर 6 6 और 2 आपका 8, ठीक है, 6 और 2 8, 2 और 1 आपका 3 और 1 मतलब कितना आना चाहिए आपका 13 86 1386 यही आना चाहिए। ये वृत्त का सर्किल का आपने एरिया निकाला प्लस वर्ग का एरिया ए स्क्वायर बराबर दोनों का मिलाकर कितना मिलेगा 2611। अब एक काम करो यहां से इस वर्ग का एरिया निकालो, इस वर्ग का अगर आप एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे 2611 और यहां पर 1386 4 और 1 आपका 5, ठीक है, यहां पर 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2 और यहां पर आपका कितना मिलेगा आपको 1225, तो ए बराबर कितना मिलेगा आपको, ए बराबर अगर आप देखोगे तो कितना मिलेगा 3 और 5 मतलब 35, मतलब यहां पर इनका साइज 35, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आपको जो निकालना था वो आप लोगों ने निकाला, अब आपको बताना क्या है जो वो पूछेगा, क्या पूछेगा, दोनों के परिमापों का योग क्या होगा, अगर इस वृत्त का परिमाप निकालोगे तो कैसे निकालोगे 2πr, पाई मतलब 22/7, r मतलब यहां पर आप लोगों को देखे रखा है 21, 7 से काटोगे 3, ठीक है, 7 से काटोगे 3, 3 × 2 = 6, तो यहां पर कितना आएगा 3 × 6 = 12, 12 और 1 आपका 13, 12 12 और 1 13, 3 × 2 = 6 6 × 12 एक कैरी करोगे 13, और यहां पर 35 × आप क्या करोगे 4, 35 × 4 करोगे तो यहां पर कितना मिलेगा 70 140, इन दोनों को जोड़ोगे 2 4 3 7 और 2 मतलब 272, ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल, दो मित्र टॉम एंड जेरी एक दूसरे से 12.5 किलोमीटर की दूरी पर है, यदि वे दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो एक दूसरे को 1/2 घंटे के बाद मिलेंगे, यदि दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 2.5 घंटे के बाद मिलते हैं, जेरी अधिक तेज चलेगा तो उसकी आपको गति बतानी, मतलब जेरी की आपको गति बतानी। देखो डायग्राम से समझोगे तो ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, यहां पर कौन खड़ा है आपका टॉम खड़ा है, और यहां से 12.5 किलोमीटर दूर, यहां से 12.5 किलोमीटर दूर आपका जेरी खड़ा है, जब दोनों विपरीत दिशाओं में आएंगे, जब दोनों विपरीत दिशाओं में आएंगे, विपरीत दिशा का मतलब है कि टॉम और जेरी की आपको, और तेज कौन चलेगा यहाँ पर, जेरी अधिक चलेगा, जेरी और टॉम की आपको अगर स्पीड मिला देनी पड़े, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करते क्या हैं, दोनों की जो स्पीड होगी वो कहीं ना कहीं मिला देंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई 12.5 किलोमीटर दूर है जो 1/2 घंटे में मिल जाएंगे, मतलब 1/2, 1/2 घंटे का मतलब क्या है, 1/2 घंटे का मतलब यहाँ पर
विपरीत चलेंगे तो एक दूसरे को आधे घंटे मिलेंगे, मतलब 30 सेकंड में मिलेंगे, 30 मिनट मतलब 30 सेकंड सॉरी 30 मिनट में मिलेंगे। 30 मिनट का क्या मतलब है आपका 1/2 घंटा, ठीक है। तो यहां पर कितना आना चाहिए आपका, दोनों की स्पीड मिलाकर जेरी प्लस आपका टॉम बराबर आपका 12×24 और एक आपका 25, ठीक है। दूसरा अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में ना चलकर सेम डायरेक्शन में चले, यही अपोजिट डायरेक्शन में ना चलकर सेम डायरेक्शन में चले, तो जेरी माइनस टॉम बराबर सेम आपका 12.5 किलोमीटर, कितने घंटे में मिलेंगे, कितने घंटे मिलेंगे आपके यहाँ पर 2.5 घंटे मिलेंगे, 2.5 घंटे में। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कटाओगे 25×5=125, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जेरी माइनस टॉम बराबर आपका 5, ये होना चाहिए। जेरी की बतानी तो यहाँ पर दो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 2j बराबर आपका 25×5=30, तो यहाँ पर j बराबर कितना आएगा आपका 15, j बराबर कितना आएगा 15, मतलब जेरी जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है इसकी स्पीड कितनी आनी चाहिए आपके, आप अलग ही टॉम की भी निकाल सकते हो 10 आएगी, लेकिन आपसे जेरी का पूछा है तो आप जेरी का निकालो, ठीक है, और आगे बढ़ो। मोहन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु उससे 3 गुनी थी। देखो चाहे आप आज की बात करो, चाहे 10 साल पहले की बात करो, चाहे 20 साल बाद की बात करो, डिफरेंस एज का कभी नहीं बदलेगा। जो एज का आयु का जो अंतर होगा, एज का जो डिफरेंस होगा, वो कभी कभी भी नहीं बदलेगा। हाँ, रेशो घटते बढ़ते रहते हैं, रेशो बदलते रहते हैं। अगर वर्तमान की बात करें, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, 5 साल पहले, अगर ये 5 साल पहले जाओगे आप, ठीक है, तो यहां पर मोहन है, ठीक है, मोहन है, और ये इनके फादर है, ये इनके फादर है, ठीक है, कितने 3 गुने हो जाएंगे। अगर मोहन 1 का होगा तो ये कितने का हो जाएगा आपका, 3 का। एक बात बताओ, यहां पर अगर डिफरेंस देखोगे, यहां पर अगर डिफरेंस देखोगे तो यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा आपका, 2 का। ये 2 डिफरेंस आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि उम्र में 20 वर्ष का डिफरेंस है, उम्र में 20 वर्ष का अंतर है। अब ये अंतर भले वर्तमान का है, लेकिन ये अंतर हमेशा चलेगा, चाहे आप पास्ट में चले जाओ चाहे आप फ्यूचर में चले जाओ। मतलब 1/2 = 20, तो 1/2 कितना आएगा आपका, 10 आएगा। मतलब 5 साल पहले उसके पिता की वर्तमान उम्र निकालिए, 5 साल पहले पिताजी कितने के थे, 5 साल पहले पिताजी 30 साल के थे, तो पिताजी आज कितने के होंगे, आज होंगे 35 साल के, 35 साल के। मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, उम्र का अंतर कभी भी नहीं बदलेगा, उम्र का रेशियो बढ़ता या घटता रहेगा, डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा। आप और आपके अगर बड़े भाई या छोटी बहन में या छोटे भाई में जो उम्र का अंतर बचपन से था ना, वो भी आज भी होगा और आने वाले 50 साल बाद भी होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। हाँ, रेशो घटते बढ़ते आपके रहेंगे। अब ये एक बार आप लोग सब लोग समझ लो, देख लो, अगर अभी तक आप लोगों ने परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि परीक्षा के एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो, हर एक एग्जाम्स का आपको हर एक एग्जाम का वीडियो कोर्स मिलेगा और उससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, मतलब टेस्ट पेपर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 जो आपका ग्रुप 4 का एग्जाम है, इसका भी जो आपका वीडियो कोर्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मतलब घर बैठे आप अपनी एमपी की बेस्ट फैकल्टियों से तैयारी कर सकते हो, जो आपकी सफलता का आपको सुनिश्चित कराएंगे। ये मिलेगा केवल और केवल आपकी परीक्षा के एप्लीकेशन पर। कोई भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो इस नंबर पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आप असिस्टेंट ग्रेड 3 या फिर मॉक टेस्ट ग्रुप 4 का आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है, टेस्ट पेपर। इसके लिए आपको करना क्या है, एक रेफरल कोड याद रखना है, रेफरल कोड रहेगा आपका SOMSIR और आपका 40, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। क्योंकि देखो, तैयारी हम लोग कितनी भी कर लें, जब तक उसका मूल्यांकन आकलन आप लोग नहीं करोगे तब तक हम लोगों को अपनी कमजोरियों का पता नहीं चलेगा। कोई भी हो, चाहे सिलेक्टेड इंसान हो चाहे टॉपर इंसान हो, वो सिलेक्टेड या टॉपर तभी बनता है जब उसे अपनी कमजोरियों का पता होता है। क्योंकि कमजोरियों पर अगर आप काम नहीं करोगे तो सफलता के द्वार तक आप नहीं जा पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये आपका रहेगा मॉक टेस्ट। आप किसी भी एग्जाम की यहाँ पर अगर तैयारी करते हो तो मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन लेना, मैं ये नहीं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। हो सकता है सिलेक्शन बिना मॉक टेस्ट के, लेकिन बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा तो मॉक टेस्ट। अल्बर्ट की क्षमता विजय की क्षमता की 3 गुनी है, ठीक है। पहले तो इनके नाम लिख लो, ये अल्बर्ट है, ठीक है, ये अल्बर्ट है, ये विजय है, ये विजय है,
ये चेरी है, ये चेरी है, खाने वाली चेरी नहीं है, सवाल वाली चेरी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अलवर्ड की कार्य क्षमता बिजोई की कार्य क्षमता की तीन गुनी, बिजोई की कार्य क्षमता की कैसे है, तीन गुनी है। चेरी की कार्य क्षमता बिजोई की कार्य क्षमता की दो गुनी है, बिजोर की कार्य क्षमता की दो गुनी है। अलवर्ड बिजोई और चेरी द्वारा लगने वाले दिनों की संख्या क्रमशः अनुपात में होगी जब वे अलग अलग काम करेंगे। ये आप लोगों ने रेट बता दी, और यहां पर पहले किसका बताना है आपको, अलवर्ड फिर बिजोई फिर चेरी। अगर इनका आप टाइम निकालना चाहते हो, आप सभी को मैंने बताया है कि भाई टाइम हमेशा रेट का या फिर रेट हमेशा टाइम का इनवर्स होता है, दो लोगों में तो आप आसानी से निकाल लोगे। जब दो से ज्यादा लोग होंगे ना, जैसे यहाँ पर तीन लोग दे दिए, तो कुछ मत दिमाग ज्यादा लगाना, तीन एक दो का एलसीएम ले लेना, वो बेटा आएगा कितना, छः। अब इसे छः से तीन में भाग दोगे तो दो बार जाएगा, इस एक से भाग दोगे तो छः बार जाएगा, और यहाँ पर दो से भाग दोगे तो तीन बार जाएगा, और यही सवाल का आपका 2 6 3 आंसर हो जाएगा। 2 6 3 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे ना दूसरे एग्जाम से, जैसे पटवारी में भी आपके इस टाइप के सवाल देखने को मिले थे, जैसे 4, ठीक है, 11 30, 4 11 30, 67, ठीक है, 128। अब अगला आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। अब यार एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा एक ही चीज समझाई बेटा, शुरुआत हमेशा आप लोग डिफरेंस से करो, या तो सिंगल डिफरेंस ले लो या डबल डिफरेंस ले लो, 6 और 1 7, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 19, ठीक है, 6 और 1 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 19, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और आपका 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 में 7 जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर आपका 6। ये यहाँ से कोई लॉजिक आप लोग पकड़ पाए क्या, यहाँ से कोई भी लॉजिक पकड़े क्या, नहीं पकड़े तो एक और डिफरेंस निकालो, यहाँ पर कितना आएगा 9 में से 7 जाएगा 2 1, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 7 और 1 आपका 8 18, यहाँ पर कितना आएगा 3 और 1 4 24। एक बात बताओ क्या अभी आप लोग लॉजिक पकड़े, बेटा अभी भी लॉजिक नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं अब पकड़ में आएगा। कितने का डिफरेंस आया 6 का, कितने का डिफरेंस आ गया 6 का, लॉजिक पकड़ लिए, डबल नहीं ट्रिपल डिफरेंस यहाँ पर काम करेगा, मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका 6 बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 30, और यहाँ पर भी अगर 30 बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका 30 बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 91, और यहाँ पर 91 बढ़ेगा तो 8 और 1 आपका 9, 9 और 2 आपका 11, और यहाँ पर 9 और 2 11, मतलब 1 कैरी करोगे, ठीक है, 8 और 1 9, ठीक है, 2 और 9 11, 1 कैरी करोगे, 1 और 1 आपका 2, और यही 219 ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। मतलब जब भी ऐसे सवाल आए ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप यही लॉजिक से हर सवाल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेटा कुछ हद तक नहीं, बहुत कुछ हद तक आप इस लॉजिक से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस डबल सिंगल डिफरेंस देख लिया, डबल डिफरेंस देख लिया, ट्रिपल देख लिया, हो सकता है चौथा डिफरेंस से आपका आंसर आ जाए, आपका लॉजिक पकड़ में आपको मिले, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लो। एक ग्वाला 120 लीटर दूध ग्राहक को 3,360 रुपये में बेचता है, और व्यापारी उसे 240 रुपये लीटर में 6,120 बेचता है। ग्वाले को 240 लीटर दूध बेचने पर प्रति लीटर ग्राहक को कितनी राशि अतिरिक्त प्राप्त होगी। एक बात बताओ, ये एक ग्वाला है, ये ग्वाला है, ठीक है, कितने लीटर दूध है 120, ठीक है 120 लीटर दूध, कितने रुपए में एक ग्वाला 120 लीटर दूध ग्राहक को 3,360 रुपए में, ठीक है, 3,360 रुपए में बेचता है, 3,360 रुपए में बेचता है। एक बात बताओ बेटा, टोटल कितने लीटर बेचा होगा 120 लीटर दूध, एक लीटर में कितना बेचा होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर 3,360 रुपए में अगर आप भाग दोगे 120 से, तो यहाँ पर 0 12 से काटोगे कितना, 12 से काटोगे कितने बार जाएगा आपका, 12 2 24, 12 3 36, 12 2 24, 24 मतलब यहाँ पर कितना आएगा 6 और 3 आपका 9, 12 8 96, मतलब टोटल 28 लीटर दूध, ठीक है, टोटल आपका 28 रुपए पर लीटर, 28 रुपए पर लीटर, ये चीज समझ में आ रही, टोटल 28 रुपए पर लीटर होना चाहिए। अब व्यापारी उसे 240 लीटर दूध
व्यापारी। अब ये व्यापारी जो है ना, व्यापारी ये कितने में बेचेगा? 240 लीटर दूध, 240 लीटर दूध कितने रुपए में बेचेगा? 6120 रुपए में, 6120 रुपए में, ठीक है, 6120 रुपए में बेचेगा। मतलब यहां पर एक लीटर का रेट क्या होगा? 6120 रुपए, 240, ठीक है, जीरो। तो यहां पर कितनी बार काटोगे? 6 से काटोगे, 6 4 24, 6 से काटोगे, 6 कम 6 दूनी 12, 4 से काटोगे यहां पर कितनी बार आएगा? 4 यहां पर काटोगे, 4 से 6 से काटोगे, 6 कम 6 दूनी 12, 6 4 24, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 5 1, ठीक है। तो यहां पर कितना काटोगे? 25.5 रुपए पर लीटर, रुपए प्रति लीटर, 51 मतलब 25/2, ठीक है। अब ये चीज आपके सामने आई, ये चीज आप लोगों के सामने आई। अब यहां पर बोला क्या है कि ग्वाले को अगर 240 लीटर दूध बेचने पर प्रति लीटर ग्राहक से कितने अतिरिक्त रुपए यहां पर मिलेंगे, कितने अतिरिक्त रुपए यहां पर मिलेंगे? अब एक बात बताना, यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा? 28 रुपए लीटर था, 28 रुपए प्रति लीटर था, और यहां पर 25.5 रुपए प्रति लीटर है, डिफरेंस कितने का आ जाएगा? ठीक है, डिफरेंस यहां पर कितने का आ जाएगा? अगर डिफरेंस निकालोगे तो यहां पर 5, ठीक है, और यहां पर आपका 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा आपका 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये डिफरेंस आपको यहां पर बताना था। चलो यहां तक कोई परेशानी, कर लोगे तो इस सवाल का आपका आंसर कितना कौन सा आ जाएगा? 2.5 रुपए। तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। आगे बढ़े, अगला सवाल, कितने समय में एक राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? एक बात बताओ, दोगुनी हो जाएगी मतलब यहां पर 1 रुपए था, आप लोगों ने 1 रुपए इन्वेस्ट किया आपने, और वो कुछ टाइम के बाद 2 रुपए हो गए। मतलब बेटा 1 रुपए से अगर 2 रुपए हो गया तो आपको 100% ब्याज मिला, आपको 100% ब्याज मिला, लेकिन एक साल में आपको 100 मिल ही नहीं रहा, एक साल में आपको कितना मिलेगा? 6% ब्याज मिलेगा। तो कितने साल में आपको 100% ब्याज मिलेगा? कितने साल में आपको यहां पर 100% ब्याज मिलेगा? तो एक काम करो, यहां पर डिवाइड दे दो, कितने साल आएंगे, ठीक है, आपके कितने साल होने चाहिए यहां पर? यहां पर अगर डिवाइड दोगे 6 × 6, ठीक है, 4 कैरी करोगे 6 × 6 = 36, ठीक है, फिर 4 कैरी करोगे 6 × 6 = 36, मतलब ये आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। 1 से 2 हो रहा है ना, अगर 1 से 2 हो गया है तो इसका क्या मतलब है? 100% ब्याज मिला होगा, एक साल में तो 6 ही मिलेगा, तो ऐसे कितने साल लगेंगे? 16.66% आपका साल लगना चाहिए। अब ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। एक खुफिया एजेंसी जीरो से लेकर मतलब यहां पर 0, 1, 2, 3, ठीक है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 और आपका 9, अलग अलग अंक को एक कोड इस तरह से बनाते हैं कि कोड का पहला अक्षर शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, ठीक है, अगर शून्य नहीं होगा तो एक अक्षर आपका एक लेटर हट जाएगा, ठीक है। पर्ची में हस्तलिखित कोड ऊपर से नीचे की ओर पढ़े जाने पर भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए 91 16 प्रतीत हो सकता है, ठीक है, ऐसे कितने कोड आप जिसके लिए इस प्रकार का कोई भी भ्रांति उत्पन्न नहीं हो? सबसे पहली बात तो ये कि टोटल अब आपके पास बचे 9, ठीक है, 9 और 1 0 आपका हट जाएगा, 9 8 72 72 में से अगर ये हटाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 71, मतलब ऐसे 71 कोड आप यहां पर तैयार कर सकते हो। तो इस सवाल का आपका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिंपल सवाल इन्होंने आपसे पूछा है कि यहां पर क्या है, 84 का 25%, तो यहां पर कितना आएगा? 84, इनका अरेंजमेंट सुधारोगे तो 25/100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 85 का 24%, यही रहेगा, ठीक है। एक काम करो, यहां पर सबसे पहले 25 से काटो, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 से काटोगे 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 से काटोगे, 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा, या फिर 4 से मत काटो, यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो क्योंकि पॉइंटों में आएगा, ठीक है, कितना था आपका 24, इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे 5 से काटोगे 5 × 2 = 10, ठीक है, 5 से काटोगे 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, इस 2 से काटोगे तो यहां पर कितना आएगा? 12, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? 12 × 7 = 84, 8 कैरी करोगे 12 × 1 = 12 और 8 आपका 20, ये होना चाहिए।
अब इनका मल्टीप्लाई करो, लास्ट में आपको चार मिलेगा और लास्ट में चार आपको एक ही जगह मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि यहां पर यूनिट नंबर कितना है आपका 4 और यहां पर यूनिट नंबर कितना है आपका 1, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहां पर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यहां तक कोई परेशानी, पूरा मल्टीप्लाई मत करना, केवल यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से ही आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अगला सवाल, अब यहां पर ये सिंपलीफिकेशन का आपका सवाल है, बोर्ड मास जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है वो यहां पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना बोर्ड मास, ठीक है, ये हो गया आपका बोर्ड मास, और बोर्ड मास हमें सिखाता है कि भाई सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट चाहे बार का हो चाहे छोटा कोष्टक हो चाहे आपका यहाँ पर मझला कोष्टक मतलब बीच का कोष्टक हो चाहे आपका बड़ा कोष्टक हो, इसके बाद हिंदी में लिखा होगा का या फिर इंग्लिश में लिखा होगा ऑफ, इन सबको हटाकर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है, ये साइन किसका आ जाएगा आपका डिवाइड का आ जाएगा, ये गुणा का आ जाएगा, ये जोड़ने का आ जाएगा, और ये आपका घटाने का आ जाएगा, ये आपको बोर्ड मास सिखाता है। तो सबसे इस नियम के हिसाब से आपको सबसे पहले ये वाला कोष्टक सॉल्व करना है, मतलब 1+1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2×1=3/2, यही आएगा। फिर मझला कोष्टक सॉल्व करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा कोष्टक नहीं लगाया लेकिन हो सकता है बड़ा कोष्टक यहाँ पर लगाया हो, ठीक है, तो यहाँ पर 1+1 और यहां पर कितना आएगा डिवाइड को देखे रखा है और यहां पर आपका 3/2 यही आएगा। ये मझला कोष्टक मतलब बीच वाले कोष्टक को हमने सॉल्व किया, तो यहां पर 1+1 × 2/3 यही आएगा, मतलब यहां पर कितना मिलेगा 1+2/3, तो 3×3 = 2 आपका 5/3 यही आएगा, 5/3 मतलब बेटा यहां पर आपको बीच वाले कोष्टक तक कितना मिला 5/3 यही रहेगा, और यहां पर 1 × 3/5 तो आपका आंसर कितना आएगा 3/5। देखो ऐसे सवाल सावधानी बरतने से ज्यादा जल्दी सॉल्व होंगे बजाय आपके नॉलेज के, नॉलेज पर इतना सा होना चाहिए कि बोर्ड मास का थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि बोर्ड मास में ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या रहेगा ओपन करने का, इसके बाद कौन कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बाकी थोड़ा सा सावधानी कि एक भी अगर साइन इधर उधर हुआ तो आपका तुरंत आंसर बदल जाएगा। अगला सवाल, कोयले की कीमत अगर 25% की वृद्धि होगी तो कोयले की खपत में आप कितने प्रतिशत की कमी करोगे कि खर्चे पर कोई भी असर ना पड़े। सीधा सा सवाल है कि भाई 100 रुपये अभी तक आप खर्चा किए और अब अचानक से क्या किया आप लोगों ने 25% चीजें बढ़ा दी, 25% चीजें बढ़ा दी मतलब 125 कर दी। अब 125 से अगर वापस आप 100 पर आना चाहते हो तो 25 घटाओगे और किस पर, अब तो यहाँ पर आके बैठेगा 125 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, 25 से काटोगे 25 4 100, 4 से काटोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, 25 से काटोगे 25 पंजे 125 आपका 125, 5 से काटोगे 5 × 10 मतलब 20% इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इस सब्ट का आपका आखिरी सवाल आपका रहेगा, एक व्यक्ति अपनी राशि का 12.5% खो देता है और शेष राशि का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपये बचते हैं, तो आरंभ में इस व्यक्ति के पास कितने रुपए होंगे। देखो जब भी इस तरीके के सवाल आए जिसमें फ्रैक्शन हो, जिसमें परसेंटेज हो या परसेंट से आपको फ्रैक्शन पर जानना हो, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मत भागना, पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने भी आपको परसेंट या फिर फ्रैक्शन देके रखे हैं आप इनको उठाओ, ठीक है, आप इनको उठाओ, जैसे एक और देखे रखा है 70%, अब करो क्या, इस परसेंट को फ्रैक्शन में लेके जाओ, जैसा कि सभी को पता है कि 12.5% मतलब 1/8, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, 12×2=24 और एक आपका 25/2% हटाओगे तो 100, 25 से काटोगे 4 4×8, ठीक है, ये हम लोगों ने यहां पर लिखा 70% मतलब 70% हटाओगे 100, 0 से 0 काटोगे मतलब 7/10, ये चीज समझ में आ रही। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो शुरुआत हमेशा इसी तरीके से करो, अभी क्वेश्चन की कंडीशन हम लोगों ने देखी नहीं, अभी आप क्या करोगे इस 8 को उठाओ और इस 10 को उठाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 × 10 कितना आएगा आपका 80, कितना आएगा आपका 80। अब जो 80 है ना, जो आपको 80 देके रखा है, आपको करना क्या है, ये पूरा आपका टोटल राशि है, टोटल आपका ये स्टार्टिंग में टोटल आपकी आय है, अब इसे आपने कुछ पार्टों में यहां पर डिवाइड किया, जैसे अपनी राशि का 1/8 मतलब यहां पर अगर मैं टोटल 80 का अगर 12.5% या फिर 1/8 निकाल लूंगा तो यहां पर कितना मिलेगा मुझे 10, जो मैंने खो दिया मतलब क्या किया खो दिया, ठीक है, अब बची राशि कितनी होगी 80 में से अगर 10 चला जाएगा तो 70 बचेगा और 70 का कितना 70%
70% कितना आएगा 49। जो मैंने क्या किया यहाँ पर खर्च कर दिया, ठीक है, क्या किया खर्च किया। अब एक बात बताओ, 70 का अगर 70% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना यहाँ पर, यहाँ पर अब आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर अब आपके पास कितना बचेगा 21, जो आपकी क्या हो जाएगी बचत। और यही बचत आपको देके रखा है कितना 210 के बराबर, किसके बराबर 210। एक बराबर कितना आएगा आपका, एक बराबर आएगा 10, तो यहाँ पर 80 बराबर क्या होना चाहिए, 80 बराबर आ जाएगा कितना आपका, एक जीरो बढ़ाना है मतलब 800, और यही हो जाएगी आपकी टोटल राशि, मतलब आपके पास शुरुआत में टोटल कितने रुपए थे 800 रुपए थे। ऐसे सवालों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। जो मैंने तरीका बताया है कि सबसे पहले आप इनके परसेंट को उठाओ, ठीक है, फिर परसेंट उठाने के बाद सबसे पहले आप परसेंट को उठाओ, फिर इनको फ्रैक्शन में ले जाओ, और फ्रैक्शन में जैसे आप ले जाओगे, फ्रैक्शन में जैसे आप ले जाओगे तो फ्रैक्शन के जो बेस होंगे, जैसे यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपको 10 देके रखा था, इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करते ही ये मिलेगा आपको टोटल पार्ट। और जैसे आपको टोटल पार्ट यहाँ पर मिल जाए, जैसे आपको टोटल पार्ट यहाँ पर मिलेगा, तो बस ये टोटल पार्ट पर ही आपको सारी अपनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, इसी टोटल पार्ट पर अपनी सारी कैलकुलेशन करनी है। मतलब ये माना हुआ एक आपका टोटल पार्ट आ गया, लास्ट में कंपैरिजन या फिर तुलना करके हम लोग अपना पूरा एग्जैक्ट पार्ट निकाल सकते हैं। और इस टाइप के सवाल नंबर सिस्टम में, ठीक है, या फिर आपके सिंप्लीफिकेशन में बहुत मिलेंगे, और हर बार एग्जाम्स में यही आपके घूम फिर के आ जाते हैं, मतलब घुमा फिरा कर यही सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे कि परसेंट दे देगा, कभी आपको फ्रैक्शन दे देगा, कभी डायरेक्ट आपको परसेंट दे दिया, कभी डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दिया, मतलब यही सारी चीज़ें, जिसमें आपको शुरुआत हमेशा यहाँ से करनी है। तो इस सवाल का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। चलिए, ये थे टोटल आपके सेकेंड शिफ्ट के 17 मैथ्स के सवाल। अब इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अब रोकने से पहले एक बार आप लोग पर डे इसका शेड्यूल देख लो। पर डे हम लोग यहाँ पर अपना 11 बजे से कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है, जिसमें आपको कंप्यूटर की थ्योरी और आपके प्रैक्टिस कराई जाती है। आपके व्यापम क्या, हर एक एग्जाम में यहाँ पर आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। और फिर इसके बाद तुरंत रहेगा आपका मैथ्स का क्लास, जो हम लोग अपना आर एस अग्रवाल की जो आपकी किताब है उसके रेफरेंस के तौर पर हम लोग अपना हर एक टॉपिक को, हर एक टॉपिक के यहाँ पर, हर एक टॉपिक के अंदर के सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। इसके बाद फिर रहेगा आपका 1 बजे से हिंदी, जो आपकी पुणेकर की किताब रहेगी। फिर उसके बाद 1:30 बजे से रहेगा आपका MPGK का रिवीजन फॉर MPPSC। 2:30 बजे से आपका फिर मिसलिनियस पार्ट रहेगा ल्यूसेंट का फॉर MPPSC। और फिर आपका 3 बजे, लेकिन हर शनिवार को, केवल और केवल शनिवार के दिन इंग्लिश की क्लास यहाँ पर आपकी रहेगी। जो भी आपके एग्जाम्स में यहाँ पर आपके इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश आपका आपको पूछी जाएगी, वो यहाँ से आप जुड़कर तैयारी कर सकते हो। चलो, इस सेशन को हम लोग यहीं पर रुकते हैं, इस क्लास को यहीं पर रुकते हैं। आप लोगों का काम है वीडियो को आपको शेयर करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्लास को लेकर जितना भी आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। मिलते हैं हम लोग कल सेम इसी टाइम पर अपने क्लास में। हेलो दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर आया आप सभी के लिए एमपी पटवारी का फुल वीडियो कोर्स, जिसका नाम है आपका विजय पटवारी वीडियो कोर्स। इस वीडियो कोर्स में आपके पटवारी के जो 5 स्तंभ रहेंगे, मतलब आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका MPGK और आपका पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का आपको तैयारी करा दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस कोर्स से जुड़े।